हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं लेके आई हूँ आपके लिए एक और दिवाली स्पेशल रेसिपी, जिसका नाम है मावा वाले गुलाब जामुन। गुलाब जामुन तो अक्सर सभी के बहुत ही फेवरेट होते हैं, तो इस दिवाली इस मावा वाले गुलाब जामुन को जरूर बनाइएगा। तो चलिए देख लेते हैं इसकी रेसिपी। तो चलिए फिर चाशनी बना लेते हैं। यहाँ मैंने एक बर्तन में 700 ग्राम चीनी लिया है और चीनी को मैंने इस बर्तन से नाप लिया था। जितना चीनी है उतना हम पानी डाल रहे हैं बराबर। फ्लेम को ऑन कर लेंगे और चीनी के मेल्ट होने तक हम इसको चलाते रहेंगे ताकि चीनी हमारा नीचे से लगे ना। चीनी हमारा मेल्ट हो गया है, अब इसके बॉइल होने का हम वेट करेंगे। चीनी में थोड़ा सा गंदगी था तो हम इसको बाहर कैसे निकालें, तो इसमें हम थोड़ा सा दूध लेंगे और ऐसे डाल देंगे। देखिए चाशनी हमारा कितने अच्छे से क्लीन हो गया है। इसमें अब हम डाल देंगे एक लेमन का पीस क्रिस्टल अवॉइड करने के लिए। और थोड़े से केसर के धागे। अब इसे हमें 2 से 3 मिनट मीडियम फ्लेम पे यूं ही बॉईल होने देना है। तो गाइस एक चीज का ध्यान रखना, चाहे आप काला जाम बनाएं, चाहे रसगुल्ला बनाएं और चाहे इमरती बनाए, इन सब की चाशनी एक जैसी होती है। बस चीनी हमारा मेल्ट हुआ उसके बाद हमें खाली 2-3 मिनट इसे मीडियम फ्लेम पे बॉईल होने देना है। इसका हमें तार वार नहीं बनाना है। अगर चाशनी हमारा मोटा हो गया तो स्वीट्स को अंदर सोक करने में दिक्कत होगा। तो चलिए अब गैस का फ्लेम बंद करते हैं और इसको हम करते हैं साइड में। और इसमें डाल देते हैं हम 250 ग्राम मावा, 3 टेबल स्पून मैदा डाल रही हूँ। अब तीनों इंग्रेडिएंट्स को हमें अच्छे से नीट कर लेना है। तो मावा ये बहुत ड्राई था इसीलिए 3 ही चम्मच मैदा लगा। अगर आपका मावा थोड़ा गीला है तो 4 से 5 चम्मच भी लग सकता है, कोई इशू नहीं है। तो देखिए इस तरह से हम गोली बना के अच्छे से देख लेंगे। तो देखिए कितना परफेक्ट गुलाब जामुन बॉल्स बन रहा है। सेम वे में हम बाकी के भी गुलाब जामुन बॉल्स रेडी कर लेंगे। तो रेडी है गाइस मेरे सारे गुलाब जामुन बॉल्स। तो चलिए अब इनको फ्राई करते हैं। जब तेल हमारा अच्छे से गर्म हो जाए फिर फ्लेम को हम लो कर देंगे और बॉल्स को हम लो टू मीडियम पे फ्राई करेंगे। तो अब हम एक एक करके सारे बॉल्स को डाल देंगे। बॉल्स को हमें टच नहीं करना है, इस तरह से तेल को हम हिला हिला के बॉल्स को फ्राई करेंगे। तो गाइस देखो कितना अच्छे से फ्राई हो गया है जो मैंने पहला डाला था। अब इसको हम ले जाके डाल देंगे चाशनी। ध्यान रखना गाइस चाशनी ज्यादा गर्म नहीं होना चाहिए और ना ही ठंडा, चाशनी को गुनगुना ही रखना है।
हर एक घंटे के लिए हमें गुलाब जामुन को यूमी चाशनी में डूबे रहने देना है। फिर उसके बाद मैं आपको इसकी सर्विंग करके दिखाऊंगी। तो गाइज मैंने इसकी सर्विंग कर दी है और देखने से देखो कितना टेस्टी और सुंदर दिख रहे हैं गुलाब जामुन। इस दिवाली आप इस टेस्टी गुलाब जामुन को आप जरूर बनाइएगा और आपका गुलाब जामुन कैसा बना कमेंट्स में जरूर बताना। कैसे अंदर तक जूसी जूसी चाशनी पहुंच गई है। बहुत टेस्टी और स्पंजी गुलाब जामुन बनके रेडी हुआ है। तो फिर मिलेंगे ऐसे ही अमेजिंग रेसिपीज के साथ। तब तक के लिए बाय।